ज़हीर खान वर्ल्ड कप 11 जो कि उन्होंने 2019 के वर्ल्ड कप के बाद बनाई थी। ज़हीर खान ने 2019 के वर्ल्ड कप में के बाद किर्कबिज में एक टीम बनाई थी जो कि 2019 वर्ल्ड कप की बेस्ट टीम थी। उसका उर्दू में मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें पहला बैट्समैन रखा रोहित शर्मा को, जिनकी एवरेज और रन आप देख सकते हैं वर्ल्ड कप में। उसके बाद जेसन राय को सेकंड ओपनर के तौर पे, यानी कि दूसरे नंबर पे रखा, इनके भी 71 की एवरेज थी और 426 रन इन्होंने वर्ल्ड कप 2019 में बनाए। उसके बाद डेविड वार्नर थे जिन्होंने 647 रन बनाए और एवरेज इनकी 71.88 की थी, ये भी तीसरे नंबर पे थे। और उसके बाद उन्होंने चौथे नंबर पे केन विलियमसन, जो कि न्यूजीलैंड के कैप्टन भी थे, 548 रन बनाए 91.33 की एवरेज के साथ। उसके बाद शकीबुल हसन थे जिनको, जो कि ऑलराउंडर के तौर पे बांग्लादेश के तो 606 रन बनाए 86 की इनकी एवरेज थी और बेस्ट रहा ये वर्ल्ड कप इनके लिए। जिमी निशम जो हैं वो 30, इन्होंने बॉलिंग बैटिंग दोनों के साथ एक की रोल प्ले किया न्यूजीलैंड को फाइनल पहुंचाने के लिए। उसके बाद मैन ऑफ द टूर्नामेंट तकरीबन आप कह सकते हैं बेन स्टोक्स को, जिन्होंने 381 रन भी लिए और 7 विकेटें भी लीं और फाइनल में बेहतरीन रोल अदा किया टीम को। और विकेट कीपर में एलेक्स केरी को लिया, जबकि फास्ट बॉलर में जोफर आर्चर, जसप्रीत बुमराह और मिचेल स्टार्क को सिलेक्ट किया ज़हीर खान ने। आप और अपनी टीम का जो कैप्टन उन्होंने रखा वो विलियमसन को रखा, जो कि रनर अप टीम थी न्यूजीलैंड की 2019 में। आपको ज़हीर खान की ये 2019 के वर्ल्ड कप की टीम कैसी लगी कमेंट्स में बताएं।